हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे पेट चैनल में। ये जो आप पीछे मेरे देख पा रहे हैं, ये यहाँ पहले मेरे कबूतर रहते थे। अब ऐसा ही बना करके हम सेल भी करते हैं। दूसरी बात है कि या तो फिर आप देख करके आइडिया ले सकते हैं। ऐसे में बहुत खूबसूरत लगता है दोस्तों, आपके घर के आसपास इस टाइप का कुछ रहे तो। और आज हम बात करेंगे स्पेशली चीनी मुर्गी के बारे में। चीनी मुर्गी ब्रीडिंग में क्या फ़ायदा है, किस टाइप का बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए बात करेंगे उसके ऊपर में। क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कि सर, चीनी मुर्गी एक्चुअल में कैसे बढ़ती है, कैसे छोटे से बड़ा होता है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या अच्छाई हैं, कैसे हम उस पर लाभ ले सकते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और मिलते हैं बैक कैमरा में, क्योंकि ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा पाऊँगा। ऐसे फ्रंट में ऐसा करके दिखा दिखा करके थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब से ऐसा ही वीडियो बनेगा कि फ्रंट में मैं आपको सब्जेक्ट बता दूंगा, चीनी मुर्गी, पॉलिश कैप, सिल्की, ये सब के बारे में कुछ कुछ बताएंगे अभी आप लोगों को। उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे बैक कैमरे में। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं। अब देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये जो चीनी मुर्गी के बच्चे हैं, ये एक्चुअल में 2.5 से 3 महीने के हैं। अभी भी इसमें मेल फीमेल थोड़ा कन्फ्यूज़न है, लेकिन जो जानने वाले लोग हैं, जो पहचानते हैं, वो पहचान जाएंगे कि ये मेल हैं फीमेल हैं। इसके साथ में जो है ये सिल्की हैं, इंडियन सिल्की बोलेंगे इनको। अमेरिकन सिल्की भी होता है, अमेरिकन सिल्की और है हमारे पास में, वो भी आपको देखना है तो उसके बारे में हम और किसी दिन बता देंगे। आज का जो हमारा मेन है वो अमेरिकन सिल्की के ऊपर नहीं है, चीनी मुर्गी के ऊपर में है, जिसको हम गिनिया फाउल भी बोलते हैं। एक्चुअल में चीनी मुर्गी बहुत अच्छी ब्रीड है और बहुत मजबूत ब्रीड है दोस्तों। चीनी मुर्गी के बच्चे जो हैं, वो अगर आप लेते हैं और उसको ग्रो करते हैं, तो बच्चे थोड़े से ज़्यादा नाजुक होते हैं। ये बच्चे जो हैं, आपको कहना चाहिए कि ग्रो करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन स्पेशली मैंने जो फील किया है, देखिए इस टाइप का जो जाली है, अगर आप इस जाली के ऊपर में इस टाइप का रखते हैं, नीचे मल ना हो, उनको कोड़ने काटने का जगह ना हो, खाने के लिए इस टाइप का दें। एक्चुअली मैं जो रखा हूँ ये इस टाइप का रखा हूँ, और उसके नीचे में जो जाली है उसमें गैप है, तो थोड़ा मोड़ा जो दाना वगैरह गिरता है वो हमारे जो घर के जो फ्री रेंज के जो मुर्गियाँ हैं वो आकर के खा जाते हैं, और वो बहुत अच्छे से रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके ग्रो टाइम। इनके ग्रो टाइम में इनको कैल्शियम देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चीनी मुर्गियाँ जो हैं, अगर आप सही समय में कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन नहीं दे रहे हैं, तो चीनी मुर्गी क्या, दूसरी कोई भी जानवर जो हैं वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनके मसल्स वगैरह पूरा डेवलप नहीं हो पाएंगे, और फिर वो साइज़ में छोटे रह जाएंगे और अंडे देने में फिर लेट करेंगे। चीनी मुर्गी एक्चुअल में 7-8 महीने बाद अपना अंडा स्टार्ट कर देता है। एक बार जब चीनी मुर्गी अंडा देना शुरू करता है, तो कम से कम, है ना, कम से कम 4 महीने तक कंटिन्यू अंडा देता है। अब इसमें भ्रांति ये है कि ये मुर्गी, मतलब अपने कहने चाहिए कि अंडे से बच्चा निकालती है, ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि सभी निकाले। एक्चुअल में इनका नेचर जो है, ये जंगली नेचर के हैं, और ये हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा चास हो रहा है इसका। अब पहले जैसा नहीं रहा कि चाइना से ला करके इंपोर्ट करके, और ये चाइना का है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये एक्चुअल में क्या है, मुर्गी की एक प्रजाति है, हमारे यहाँ आज से नहीं, बहुत पहले से मिलता है। और दूसरी बात है, ये लगभग लगभग आपको देखने को मिल जाएगा कि ग्रुप बना करके, टीम बना करके इसको लेकर के घूमते हैं बेचने के लिए। तो वो लोग जो बेचते हैं, वो इससे थोड़ा बड़ा होता है, तो फिर लेकर के निकल जाते हैं वो लोग, और फिर जगह जगह रुक करके 800 रुपये, 1000 रुपये, ऐसे पेयर के हिसाब से एकदम अंडा देने वाले रहते हैं। 1600, 1500, अलग अलग रेट के हिसाब से वो लोग फिर सेल करते हैं। चीनी मुर्गी जो है, एक्चुअल में अगर आप रखें तो झुंड में रखें दोस्तों, एक या दो या चार अगर आप रखते हैं तो आपको दिक्कत आ सकता है, क्योंकि एक या दो रहता है तो ये चमकता है, और एक दूसरे का साउंड, जैसे कि इसको एक भाषा में तीतर भी कहा जाता है, ये लोग कहना चाहिए कि झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये लोग एक दूसरे को आवाज़ लगा करके बुला भी लेते हैं, अगर कहीं चले जाते हैं तो ये लोग आ भी जाते हैं। ये लोग एक्चुअल में, इनका और एक नाम है जो स्नैक साउंड करके नाम है इनका, आप सर्च मारिएगा स्नैक साउंड, ये आ जाएंगे। ठीक है, तो स्नैक साउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सांप बिच्छी जो है, उसको अगर सांप का बच्चा छोटा है तो मार देते हैं, और अगर बड़ा रहता है तो घेर करके उसको भगा देते हैं, अपने इलाके में रहने नहीं देते हैं। एक्चुअल में हर फार्म में चीनी मुर्गी इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये आपको सांप बिच्छू से संकेत देगा, अननोन, जैसे कि अब मैं हूँ तो ये मेरे को पहचानेगा, फार्म के मालिक को, ऑनर को पहचानेगा, नया आदमी को देख करके ये कहना चाहिए बहुत ज़्यादा साउंड करता है, इनका साउंड बहुत कर्कश होता है। इसको घर में बिल्कुल ना पालें दोस्तों, अगर आप घर में पालेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगा,
क्योंकि घर में ना पालें, कॉलोनी में ना पालें, और जो घर से लगा लगा है, सटा सटाया घर है वहाँ ना पालें, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो फिर आपत्ति हो सकती है, ये ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ करते हैं। दूसरी बात है फार्मिंग भाइयों के लिए सबसे अच्छी बात ये है, देखिए मैं दोनों बता रहा हूँ आपको, कुछ नेगेटिव बातें बताऊँगा, कुछ पॉजिटिव बातें बताऊँगा, आपको दोनों को समझना होगा कि एक्चुअल में आपके लिए है कि नहीं है। ये हर बंदे के लिए अलग अलग टाइप का काम करेगा। अगर आप फार्म में इसको रख रहे हैं तो कम से कम 7, 8 या 10 रखें एक साथ, 5 पेयर, कम से कम 5 पेयर का एक झुंड बना करके ये लोग घूमेंगे। अगर उड़ भी जाएंगे अगल बगल इधर उधर तो फिर ये लोग वापस आ जाएंगे। ये एक्चुअल में कीड़े मकोड़े खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, हरा घास खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। ये जैसे कि 5 फीमेल आपके पास है तो 5 में से कम से कम 2 या 3 अंडे पे बैठेंगी, बाकी नहीं बैठेंगी। और अगर आप चीनी मुर्गी के अंडे से खुद इसी का बच्चा निकलवाएंगे तो आपको दो तरह का नुकसान हो सकता है। पहला नुकसान ये कि ये कंटिन्यू 3 महीने अंडे देती है। अगर आप अंडे पे बैठाएंगे इनको तो अंडे पे बैठाने से एक चीज़ आएगा कि ये अंडा देना बंद कर देंगी, फिर अंडे को सेंगी, उसके बाद अंडे को निकालेंगी, फिर बच्चे को घुमाएंगे तो आपको अंडा कम मिलेगा। उसके बाद ऐसा है कि जो फीमेल बैठेगी नहीं, वो फीमेल अंडे के ऊपर बैठेगी, फिर छोड़ेगी, बैठेगी, छोड़ेगी, फिर वो अंडा घुलेगा, फिर एक दूसरे का खाएंगे अंडा ये लोग, और प्रोटीन की कमी होने से। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप जब चीनी मुर्गी का पालन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर देसी मुर्गी साथ में रख लीजिए। देसी मुर्गी रखने से आपके लिए प्लस ये होगा कि ये अपने बच्चे वहाँ से बना देंगे, और ये तो सिर्फ मुर्गी है, मुर्गी से मुर्गी निकालेंगे तो भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा। बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस को बिजनेस की तरह देखिए। आप कम से कम हमारी वीडियोस जा कर के देखिए। पिछला वीडियोस में हमने थर्माकोल बॉक्स से आपको वीडियो बनाने का बताया हुआ है, और उसके साथ में अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। इंक्यूबेटर मशीन की बात कर रहे हैं, और चाहें तो हमारे पास जो फ्रिज का सेटअप है, इंक्यूबेटर मशीन, आप वो भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और बच्चे ग्रो करने के लिए आप इस टाइप का ज़रूर बना ले दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं नीचे से ऐसा लगा करके, ये हम आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, ये हमने 2 दीवार लिया है, उसके बीच में बांस वांस लगा करके इस टाइप का इसको बना दिया है, ताकि ये उड़ करके ऊपर में बैठने का हमने जगह भी दिया हुआ है। तो ये चलिए ये ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकी कहने चाहिए कि बीमारियों के बारे में। तो स्पेशली अगर देखा गया है तो चीनी मुर्गी में बीमारी नहीं आता है। वैक्सीन के नाम से आप अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं दोस्तों। लसोटा और गम्बोरो कर दिए बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज़्यादा इनको कोई ना तो बीमारी आती है और ना ही कुछ, क्योंकि ये लोग थोड़े से स्ट्रॉन्ग ब्रीड हैं। इनका मीट भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, देसी मुर्गी जैसे खाने में लगता है। अभी नया नया है दोस्तों, अब इनको मार्केट में खाया जा रहा है, लोग इनको समझ रहे हैं, और बहुत पहले से इसका चलन है, लेकिन लोग अब तक शौकिया पालते थे और ये घूम जाता था बहुत ज़्यादा। लेकिन आप जैसे इसको पाल रहे हैं और इसकी ब्रीड करा रहे हैं, इनको बढ़िया से केज वगैरह सिस्टम में भी दे रहे हैं, तो भी बहुत अच्छे अंडे देते हैं। एक बार जब ये अंडा देना शुरू करता है तो कम से कम, ठीक है, साल में 120 अंडे से ऊपर ये अंडा दे देता है दोस्तों, और पूरा अपना जो 3 महीने का जो कार्यकाल है उसमें पूरा बराबर कर देता है। ये फार्म में इसलिए होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि ये स्नैक साउंड के नाम से फेमस है, और अननेसरी बाहर के जानवर वगैरह भी आते हैं तो इस वो आपको सूचित करता है। और ये अगर उड़ भी जाते हैं तो सब्र रखिए आप। अगर आप ज़्यादा मात्रा में रखे हुए हैं तो ये ग्रुप नहीं छोड़ते हैं, अपने ग्रुप में ये लौट करके बहुत जल्दी आ जाते हैं। चीनी मुर्गी पालन में एक चीज़ बहुत अच्छा है दोस्तों कि ये 3 महीने में देखिए आधा किलो आसपास के हो गए हैं। अब इनका जो पेमेंट है वो बनने लगेगा, क्योंकि इसको शौकिया तौर पे भी लोग क्या हैं, 1 या 2 मान लीजिए कि आप इसकी पालन करते हैं, तो शुरू शुरू में देखिए क्या है, कड़कनाथ सबके पास मिलता है, पॉलिश कैप सबके पास मिलता है, और सिल्की अभी सबके पास मिलने लगा है। चीनी मुर्गी आवाज़ के नाम से पाला जाता है और बहुत ज़्यादा शौकिया भी हैं, तो लोग अब इसको पाल रहे हैं। आप 3 महीने बाद भी अगर स्टार्ट करेंगे इनको बेचना तो एक ठोका कम से कम 400 रुपये आपको मिल जाएगा। तो 400 रुपये मिल जाएगा तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट। और अगर थोड़ा और रुके और थोड़ा सा लंबा समय लें कि भाई अपने चीनी मुर्गी लोगों को हम किस टाइप का ज़्यादा पेमेंट बना सकते हैं बोल करके, तो बिल्कुल आप इससे बच्चे अच्छे बनाइए और मार्केट में सेल कीजिए। कम से कम 5-7 जोड़ी भी अगर रखते हैं तो बहुत अच्छा है। इसमें एक चीज़ है जो कि दूसरे मुर्गियां जैसे बीमार हो जाते हैं, लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं, तो इसमें ये समस्या नहीं है, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीज़ है चीनी मुर्गी जो है, आप लॉन्ग टाइम रख सकते हैं। बट आपका जो फार्म है
वो फार्म आपका थोड़ा सा घर के पीछे होना चाहिए। देखिए मेन मेन टिप्स हैं जो हमने आपको बता दिया चीनी मुर्गी के बारे में, क्योंकि चीनी मुर्गी घर में रखने लायक नहीं है, ठीक है। ये पीछे बैकयार्ड फार्म है, देखिए हमारा पीछे का गेट है, वहाँ तक के लिए है, उससे ज़्यादा नहीं है, है ना। तो वैसा ही एक केज के ऊपर हम ये खरगोश रखे हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं ये यहाँ पे फ्रिल बैक है, ये टर्की है देखिए, और ये टर्की अभी आराम कर रहे हैं, ये जाएंगे एक्चुअल में रायपुर। और चीनी मुर्गी के साथ में आप हम राजहंस भी रख सकते हैं दोस्तों, राजहंस भी जो है एग्जॉटिक पे आता है, और एग्जॉटिक पे आने के साथ साथ में ये साउंड के लिए भी बहुत ज़्यादा जाना जाता है। इसका साउंड जो है बहुत ज़्यादा होता है, एक ऐसा बताते हैं बताने वाले कि अगर आप जैसे डॉग रखे हैं तो डॉग के जगह में अगर आप डॉग नहीं रख सकते हैं तो राजहंस भी रख सकते हैं। राजहंस भी बहुत ज़्यादा साउंड करता है और मालिक को पहचानता है। मालिक को पहचानने के साथ साथ में इसमें एक गुण और है कि कहना चाहिए कि ये जो बाहरी जो आदमी आते हैं उनसे गार्ड भी करते हैं, आपके ट्रेनिंग देने के ऊपर है। बहुत लोग इसको राशि ठाट बाट के हिसाब से भी रखते हैं, और मेरे ख्याल से अगर आपका ओपन फार्म है तो बिल्कुल आप दो चार पेयर रखें, ये रिटर्न वैल्यू बहुत अच्छा देता है राजहंस। ये मैं जो ये बता रहा हूँ इसका मतलब मैं राजहंस पालन नहीं बता रहा हूँ आपको, आपको मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि राजहंस जो है वो आप ओपन सेट में रखें तो बिल्कुल अच्छी बात है। उसके साथ में आपको मैं ये दिखा रहा हूँ टर्की, ये जो टर्की है आप देख रहे हैं अभी ये टर्की फुल फार्म में है, अभी करीबन करीबन इसके इसके साथ में करीबन चार पांच फीमेलें मिल रही हैं टर्की को, और ये अभी दो मेल हैं यहाँ पर, दो मेल में एक मेल छोटा है। तो फिलहाल ये हमारा टर्की का साइज़ देखिए, बहुत ज़बरदस्त साइज़ है। लोग को बोलने से लोग विश्वास नहीं करते हैं कि दूसरे की टर्कियाँ की साइज़ जो है वो बड़ी नहीं होती हैं। इस टर्की का साइज़ और अपने टर्की का साइज़ बिल्कुल आप मिला लें दोस्तों, मिलाने से आप लोगों को पता चल जाएगा। जबकि ये गर्मी है, गर्मी में इनका वेट गिर जाता है, अभी जैसे ही ये इनको हरा चारा मिलने लगेगा स्टार्टिंग, तो फिर ये और अच्छा ग्रो करने लगेगा। अब हम आपको दिखाते हैं मोती बदक। मोती बदक देखिए आप यहाँ पर, मोती बदक भी एक लाजवाब है, इसका सूखा बदक भी बोलते हैं, मास्कोई भी बोलते हैं, मनाली भी बोलते हैं, इसके नेम बहुत सारे हैं दोस्तों। इस ये हमको इसलिए अच्छा लगता है कि ये मोती बदक बिल्कुल साउंड नहीं करता है दूसरे बदक लोगों के जैसे, जो हमेशा जो चिल्लाते रहते हैं 10-12-20 तो एक साथ रखे हैं तो काँव काँव करके जो बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये बहुत ही सभ्य शालीन टाइप के होते हैं और बिल्कुल आपको मशीन का काम करते हैं दोस्तों। आप चाहे इसको किसी का भी अंडा दे दीजिए, ये हैच करके निकाल देता है, ठीक है। ये रहा मोती बदक। अब हम आपको दिखाते हैं वाइट मोती बदक, सिल्वर मोती बदक। तो इसमें आपको अलग टाइप का फ़र्क पड़ेगा। बनबिलाव अटैक होने के बाद से वहाँ पर जो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा बनबिलाव अटैक हुआ है, उसके बाद से हम वैसे भी थोड़ा सा कम कर दिए हैं जानवर। अभी दूसरा फिर से हमारा फार्म भी पूरा तैयार होगा अलग से इनके लिए, क्योंकि इनका जगह भी थोड़ा छोटा पड़ रहा है। अभी कम है बोल करके हमने इनको यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो आप राजहंस देख रहे हैं, ये राजहंस है, मोती बदक है, उसके साथ में आपको टर्की वगैरह है। अब दिखाएंगे आपको वाइट वाले, एक फ़ोटो ले लूँ दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, आइए दिखाता हूँ। ये देखिए सब के सब आराम कर रहे हैं, इनके अंडा देने के लिए यहाँ पे जगह भी बना दिया है हमने, और अंडे भी दे रहे हैं सारे बदक। ये जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे आने से इनका हलचल हो गया है, कुछ खाकी कैंबल हैं। ये वाले जो आप देख रहे हैं, ये जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये वाला जो अंदर में जो है ये मास्कोवी और खाकी कैंबल का क्रॉस है, बहुत अच्छी ब्रीड निकला है, थोड़ा जंगली टाइप का दिखता है। तो ये आप देख रहे हैं इतने कम जगह में, दिन में ये लोग खुले में रहते हैं। और अभी और भी टर्की है, टर्की फार्म उधर है हमारा, जो कि हम आपको दूर से दिखा देते हैं।